हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कुट्टू के आटे के पकोड़े। इसके लिए सबसे पहले दो बड़े साइज़ आलू को बॉईल करके रफली मैश किया है मैंने। फिर इसमें हम डाल लेंगे 4 से 5 चम्मच कुट्टू का आटा। 4 से 5 चम्मच काफ़ी रहता है। रॉक साल्ट लेंगे हम स्वाद अनुसार। इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड करेंगे हम, और फिर ज़रूरत अनुसार पानी मिलाकर हम इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अभी एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और इन पकोड़ों को हम तल लेंगे। इन्हें हम हल्का सा ब्राउन होने तक तलेंगे। जब ये कुरकुरे दिखने शुरू हो जाएंगे तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आप इन्हें दही या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये व्रत वाली ग्रीन चटनी को मैंने मूंगफली, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया मिक्स करके बनाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है आलू बॉईल करने का तो आप कच्चे आलू को कस लें और फिर उसमें कुट्टू का आटा मिलाकर ये ऐसे सॉफ्ट डो एक रेडी करें। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया काट कर मिलाएं और फिर इसमें इन्हें हम तल लेंगे। ये और भी ज़्यादा अच्छे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, इसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए।